नमस्कार स्टूडेंट, स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि बीई और सीएफ, बीई और सीएफ त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। बराबर का मतलब कि जो यहाँ पर सी एफ है वो बी ई की बराबर के बराबर है। मान के चलो कि अगर बी ई की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो सी एफ की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, मानिएगा है नहीं, सपोज किया आपने, बताने के लिए आपको। और साथ साथ ये कह रहा है ये दोनों बराबर हैं। और दूसरी बात एक आ गया कि शीर्ष लंब हैं। जब शीर्ष लंब किसी के ऊपर कोई चीज़ शीर्ष लंब होता है ना तो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर होने के कारण ये 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक, शीर्ष लंब पड़ने के कारण जिस लाइन के ऊपर वो पड़ता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का होता है। राइट, आइए सिद्ध करना है आपको। एक लगाना RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांगस्थान नियम लगाना है, और ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है एक समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। आइए क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर आप लिखें, जो सिद्ध करना है यहाँ पर आपके पास है त्रिभुज FBC। क्या लिखेंगे? त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB। दो त्रिभुज आपने ले लिया, इन दोनों त्रिभुजों में आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास सबसे पहले 90 डिग्री वाले त्रिभुज ले आइए। आप ले आएंगे BFC इज इक्वल टू एंगल CEB, और ये CEB जो है 90 डिग्री प्रत्येक है। ये क्या है? प्रत्येक है। अब आप क्या करिएगा, जब यहाँ पर प्रत्येक है तो दूसरी बात यहाँ पर आ गई कि जो BC है वो BC के इक्वल है, और इसलिए क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ दो चीजें हो गई। और दूसरी बात आपके पास है FC, FC इज इक्वल टू BE, FC इज इक्वल टू BE क्या है, दिया है भाई, उसने क्वेश्चन में कह दिया ना कि दो बराबर शीर्ष लंब, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो FB बराबर C दिया हुआ है आपको। अब आप यहाँ पर FB बराबर BE, तब आप यहाँ लिखें त्रिभुज FBC, त्रिभुज FBC इज कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ECB। ECB क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब जब इस क्राइटेरिया से इक्वल हो गया तो आपको ये पता है कि यहाँ पर BC और BC इक्वल है, तो यहाँ पर हम किसी ट्रायंगल्स पर जाएंगे और यहाँ पर इसको आप लिख दें साइड एंगल साइड, नहीं क्योंकि राइट हैंड कह रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिख दें राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल हो गया। अब क्या करिएगा, यहाँ पर आप लिखें एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, एंगल ECB, और ये जो होगा ये CPCT, ठीक, सर्वांगस्थम के नियम के आधार पर ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पर आप लिखें सो AC इज इक्वल टू AB हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं जो होंगी ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब कोण बराबर हो गया तो इनकी सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा EC और ECB के लिए AB जो जाएगा वो आपस में इक्वल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि AC इज इक्वल टू AB, तब आप यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु
एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हुआ। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कॉपी कर लें और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर डे आपको दो चार क्वेश्चन रोज ही इस वीडियो पर डाला जा रहा है, और चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज एक ही क्वेश्चंस को किया जा रहा है, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आप अच्छी तरह से करें। तो चैनल के साथ आप जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स टू वॉच।